खबर फरीदाबाद हरियाणा से है। पिरथला से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा, जिसको लेकर कुछ नीचे जो अधिकारी ऐसे स्थिति बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऊपर के अधिकारियों को भी भ्रमित कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस सारी स्थिति के बारे में अवगत करवाया। आगे से हरियाणा में किसी भी विधायक को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े, उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने जनता के कामों की अनदेखी करने वाले अधिकारी और विकास कार्यों में अड़चने डालने वाले अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं, बीजेपी को हमेशा प्राथमिकता देगी। चुनाव में अगर बीजेपी टिकट देगी तो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, अगर टिकट नहीं मिली तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़कर जीत हासिल करेंगे। विधायक साहब, नाराजगी थी, क्या रहा, अब किस तरीके से देखते हैं सारे प्रकरण को? देखो, कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर और डेवलपमेंट्स के काम को लेकर कुछ ऑफिसर इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे थे जिससे भारतीय जनता पार्टी को स्वयं मुझे कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि आने वाले 2 महीने के बाद चुनाव है और मैं इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि जब हम सत्ता में हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का सेवा काल है और इस सेवा काल में ऑफिसर को न्यूट्रल होकर के काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता किसी दबाव में काम करें, किसी का गलत काम कर रहे हैं, मैं गलत काम के लिए नहीं कहता, लेकिन सिंपल से 2-4 काम हैं, जैसे मोटरसाइकिलों का एम्पाउंड कर देना। सरकार कहती है किस लिए एम्पाउंड कर रहे हैं, 1000 का, 500 का, 100 रुपए का चालान काट दो। तो ये कुछ नीचे के छोटे अधिकारियों ने बड़े अधिकारियों को भ्रमित भी किया और उन्होंने अपनी कुछ पर्सनल परेशानी के लिए कुछ ऐसी हरकतें कर दी थी जो मुझे सहन न हुई, जो मेरे लोगों के सख्त खिलाफ थी। तो केवल यही एक कारण था मैं सरकार से नाराज हुआ। और उसके बाद जब सारी प्रक्रिया पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, अभी के मुख्यमंत्री आपके जो नायब सैनी जी ने, और इसके साथ साथ हमारे सह प्रभारी विप्लव देव जी ने, सब ने इस पर, नेताओं ने इस पर मिलकर के काम किया और मैं उसके बाद संतुष्ट भी हुआ। और सारे अधिकारियों से मैंने, एक केवल मेरे लिए नहीं, सभी MLAs को इस प्रकार की प्रक्रिया से छूट होनी चाहिए कि जो जायज काम है वो जिले स्तर पर आसानी से करा सकें, चाहे सेक्रेटरीट में है आसानी से करा सकें, क्योंकि 2 महीने का समय, हमारे पास समय नहीं बचा है, 2.5 साल का कोरोना काल भी रहा है, तो प्रेशर जो है वो डेवलपमेंट का भी है। लेकिन अगर ऐसे में किसी का पर्सनल काम खराब होता है, किसी पर्सनल कार्यकर्ता को दिक्कत आती है, तो निश्चित तौर पर हमें कहीं ना कहीं नुकसान, नाराजगी दूर है आपकी? बिल्कुल निश्चित तौर पर नाराजगी दूर। चुनाव लड़ने की बात करें तो क्या बीजेपी से लड़ेंगे या किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, मुझे भारी उम्मीद है, जिस प्रकार से मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, फ्रंट फुट पर आकर के, मैं चाहे राज्यसभा चुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा के सत्रों की बात हो, चाहे किसी को जवाब देने की बात हो, और चाहे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने की बात हो, हर जगह मैं इंडिपेंडेंट होते हुए फ्रंट फुट पर खेल रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विजन एक है, नेशन फर्स्ट, देश प्रथम, और मैं भी मेरे देश से प्यार करता हूं, देश की मिट्टी से प्यार करता हूं, इसलिए भाजपा को पसंद करता हूं। और अगर भारतीय जनता पार्टी किसी कारणवश टिकट ना दे पाई तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पसंद करूंगा। मुख्यमंत्री से भी बात हुई है क्या टिकट को लेकर? कुछ देखिए, बात करने की जरूरत नहीं है, यह सर्वे होता है हर पार्टी का, पता नहीं और किसी पार्टी में होता नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी में सर्वे होता है। और पिछली बार का सर्वे भी मेरा जो रेशो था वो 80-20 का था, मैं आपको बताऊं, मतलब 80% में नैनपाल था, और अगर टिकट काटी ऐसे वक्त में तो मैं जीता। और आज भी शायद 100-20 का रेशो होगा, जो कोई भी मेरे, मैं नहीं समझता कि कोई भी कार्यकर्ता लोगों के जो जुड़ाव की वजह से, जनहित के मुद्दों की वजह से, और मुझ पे लोगों का लाड़ प्यार होते हुए कोई टिक नहीं पाएगा, इसलिए निश्चित तौर पर टिकट मेरा होगा। और अगर बाय द वे 1% टिकट ना भी हुआ तो ये चुनाव भी मेरा होगा, ऐसा मेरा मानना है।